तो आज है 20 दिसंबर, तो आज का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहायता योजना शुरू की है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य सहायता योजना की शुरुआत की है। यह योजना वामपंथी उग्रवाद और अंकुश लगाने के लिए शुरू की, जिसने राज्य के 24 से 19 जिलों को प्रभावित किया है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो इसका विकल्प है 46 करोड़, 4600 करोड़, 56 हज़ार करोड़, अरे मतलब 46 हज़ार करोड़, 56 हज़ार करोड़, 66 हज़ार करोड़, 76 हज़ार करोड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है 76 हज़ार करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 76 हज़ार करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए घोषित उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की कुल राशि बढ़कर 2.30 लाख करोड़ रुपये की हो गई है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इनमें में से किस राज्य ने हाल ही में तमिल आई वाजथू को राज्य गीत घोषित किया है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में तमिल थाई वाथुजू की एक प्रार्थना गीत को गीत है को राज्य गीत घोषित किया है। यह तमिल माँ की स्तुति में गाया जाता है। तमिल थाई वाथुजू गीत पर टिप्पणियाँ न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन द्वारा कान ई लागो बलम बानम बनाम राज्य मामले में 6 दिसंबर को की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए UNCDF के साथ समझौता किया है? केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के साथ समझौता की है। यह समझौता महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। तो आगे देखिए, आज 20 दिसंबर है, तो आज 20 दिसंबर के बारे में कुछ जानते हैं। 20 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विविधता को में एकता को चिन्हित करने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आगे है किदांबी श्रीकांत हाल ही में बैडमिंटन की BWUF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के कौन से पुरुष शटलर बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। जिसका जो राइट आंसर है पहले। पहले भारतीय स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत ने हाल ही में लक्ष्य सेना को हराकर BWUF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष शटलर बन गए हैं। वे तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगे। इससे पहले PV सिंधु और साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट का फाइनल खेल चुकी हैं। तो आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड टीम ने स्टरवार्ड टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? 5वें, 7वें, 9वें, 10वें। तो इसका जो राइट आंसर है 10वें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड
हाल ही में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धन को पीछे छोड़कर टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले विश्व के 10वें खिलाड़ी बन गए। वे सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनमें से आगे जेम्स एंडरसन 167 और एलिस्टेयर कुक 161 मैच है। आगे चलिए देखते हैं, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षा उपायों और नोटों के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? जापान, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है रूस। रूस ने हाल ही में सुरक्षा उपाय पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नोटों के साथ मसौदा लॉन्च किया है। दस्तावेज के मुताबिक रूस और नाटो दूसरों की सुरक्षा की कीमत पर संगठन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सैन्य गठबंधनों के ढांचे सहित व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं करेंगे। तो आज के जो जितने करंट अफेयर थे यही थे। तो आज मिलते हैं कल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के डेली करंट अफेयर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि रोज़ आपको टाइम पे करंट अफेयर देखने को मिल जाए।